इस वित्तीय वर्ष में करा दिया जाए। वित्तीय वर्ष तो लंबा हो गया। नहीं नहीं लंबा नहीं, वित्तीय ये 16-17 वित्तीय वर्ष के आवंटित राशि है, इसलिए कम से कम यह तो बता दे कि इस महीने दो महीने के अंदर कर देंगे। वित्तीय वर्ष तो दिसंबर काफी लंबा समय। ठीक है, जल्दी करा देंगे। श्री माननीय सदस्य श्री रामचंद्र पूर्वे जी, माननीय मंत्री नगर विकास। महोदय, कमला नेहरू नगर में नेपाली मुसहरी एवं पासवान मोहल्ला में दो समरसेबुल पटना नगर निगम द्वारा लगाया गया है, जो चालू अवस्था में है। इमामबाड़ा एवं ऊपरी मुसहरी में दो समरसेबुल के लिए कार्रवाई की जा रही है। आंशिक वार्डों में सप्लाई द्वारा क्या मलिन बस्ती स्वरूप इस मोहल्ला में रहने वाले जो गरीब है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उन सारी व्यवस्था, पीने की पानी, शौचालय की व्यवस्था और हमारे ऐसे आवास की व्यवस्था कब तक आप करेंगे, ताकि उनमें कोई आक्रोश की भावना हम लोगों के खिलाफ। माननीय सदस्य प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं व्यक्तिगत रूप से उस मोहल्ले को जानता हूं, हमारे जानने वाले कई मेरे मित्र वहां रहते हैं। मैं लोकसभा चुनाव में भी गया था, ये बात सच है कि वहां बहुत ही कुव्यवस्था है। कोई इंसान उस माहौल में रह रहा है राजधानी पटना के बीच में, यह सोचने वाली बात नहीं। अब आप सोचा नहीं जा सकता। महोदय, मंत्री जी के जवाब में कहीं भी कुछ भी कमला नेहरू नगर के लेकर योजना क्या है उस पर नहीं है। वहाँ स्थिति यह, इन्होंने कहा कि बोरिंग समरसेबुल लगा हुआ चल रहा है, ये गलत बात है। मुसहर टोली का बोरिंग बंद है, वहाँ पानी नहीं है और गंदगी का अंबार ये है। कोई भी आदमी अगर एक घंटा दो घंटा रह ले निश्चित रूप से बीमार पड़ेगा। एक बड़ा सा तालाब है अशोक सिनेमा के ठीक सामने, वो मोहल्ला है और बीजेपी कार्यालय के पीछे का हिस्सा है जहाँ ये बस्ती है, हजारों की बस्ती है। राजधानी कैपिटल में हम रह रहे हैं और वहाँ अगर पेयजल नहीं है, चलने की फिरने लायक रास्ता नहीं है, गंदगी का अंबार है और बीमार पड़ते हैं, इसकी कोई ठोस योजना बताइए कब तक आप उस दिशा में काम करें। महोदय, ये बस्ती जो है इसमें समरसेबुल है, जहां खराब है उसको को से अवगत हो लें और फिर अगली इसमें जवाब दें। माननीय मंत्री, ये जवाब में और सदस्य के सवाल में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है थोड़ी सी, तो आपको इसको विशेष रूप से माननीय सदस्य की जरूरत हो तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। जो ये अपना जो क्वेश्चन है उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ये अधिसूचित जो ये कानून बना है ये 20/3/2015 से दे है, तो ये 14 की बात है, ये 15 की हम बात कर रहे हैं कि जब से ये कानून लागू हुआ है 4 लाख रुपया अनुदान देने। साल से सुन रहा हूँ मैं, कई रोड के बारे में बता देता हूँ जो मैंने कहा है, उसमें हमेशा यही तकिया कलाम वाला जवाब आता है कि तो हम बना देंगे। हम जानना चाहते हैं महोदय कि इस जो महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को डिस्टर्ब करने वाले कौन लोग हैं, जो अभी तक कम से कम 5 सड़क के बारे में बताएंगे जो जिस पर यही जवाब आपका है कि वहां से प्रस्ताव नहीं आया है, और प्रस्ताव आएगा तो राशि उपलब्ध होगी तो बनाएंगे। जब यह महत्वाकांक्षी योजना है तो आखिर अब अंतिम होने जा रहा है, 20 पूर्णे जा रहा है, तो सड़क नगर गया के बाकी सड़क नहीं बन पाएंगे क्या? और उस पर जो नगर निगम के पदाधिकारी बैठे हुए हैं एक ही तरह का जवाब देते हैं। मंत्री महोदय क्या बताएंगे उस पर, कैसे करेंगे? माननीय सदस्य जो बता रहे हैं 5 सड़क, उसकी सूची हमें दे दें और मैं इनको बताता हूं कि वो सड़क निश्चित तौर से बनवा दिया जाएगा। मैंने सूची नहीं, आपको सूचना दिया है कई बार। अब सूची महोदय, अब कितना बार सूचना दें महोदय, कितनी बार सूची दें इनको? एक बार आप सूची में दे दें महोदय, और ये बनाते नहीं। आप गुस्से में ना आवे,
आप गुस्से में ना आवे। नहीं महोदय, आप आराम से बोलिए, विभाग आराम से बोलिए, जाकर भ्रष्टाचार का झगड़ा हुआ। सुनिए संजीव, ये मेरा कहना महोदय, कैसे कोई भी एमएलए कहते हैं कि भ्रष्टाचार में पूरा विभाग पड़ा हुआ। महोदय बात बोलिए, इस तरह से डिमोलाइज कर रहा हूँ, इस तरह से महोदय डिमोलाइज। आप सुनिए, ऐसे अभी मैंने आप मेरी बात सुनिए। मैं कल परसों जिस दिन से जिस दिन सभापति महोदय का सबका समय हो, मैं भोजन पर आमंत्रित करता हूँ सभी सदस्यों को। ठीक है ना, आप जब का डेट दें हम लोग तैयार हैं। नहीं, जब आप कहें मैं तैयार हूँ जी। कल कहें, परसों कहें, कल कहें, परसों कहें, जो समय आपको ठीक लगे आप कह दें, मैं आप तैयार हूँ। नहीं, उधर दोनों रहेगा, जुर करा लिया जाए। कहा कि कपड़ा दू गो लेके आते हैं, वो घर से निकलते हैं, वो हाउस के बाहर बदलते हैं। बोलिए, पूछिए ना माननीय सदस्य सीपी सिन्हा जी, माननीय मंत्री नगर विकास। हाँ, हो गया लास्ट। सर ये तो स्थानांतरित किया गया है। ठीक किया। चलिए, अब ये प्रश्नकाल समाप्त हुआ, शेष प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री सदन के पटल पर रखते हैं। और मैं बहुत ही गंभीर विषय पर बहुत ही गंभीर विषय पर सूचना पर मैं खड़ा हूं। क्या हुआ सभापति महोदय? हिंदुस्तान की सबसे पुरानी व्यवस्था हमारी सदन है, पर नए सदस्य सदन की गंभीर और इसकी खूबसूरती को समाप्त और तार तार करना चाहते हैं। उन्हें हर तरह की व्यवस्था है कि गरिमा में रहते हुए प्रश्न किया जाए, न कि व्यवस्था को बदनाम करने के लिए सदन से बाहर जाकर सदन के बारे में अनाप शनाप शब्द कहा जाए। कल ही एक सदस्य के द्वारा हौस खत्म होने के बाद, क्योंकि हम लोग भी सदन के बहुत ज्यादा पुराने सदस्य नहीं है, और पर बहुत सारे यहाँ पर सदन में सदस्य जो बैठे हुए बहुत ही पुराने और बहुत ही गंभीर लोग भी हैं, पर एक सदस्य के द्वारा माननीय प्रेमचंद मिश्रा जी के द्वारा इस सदन के संवैधानिक परंपरा को चैलेंज करते हुए और आपके गरिमा को तार करते हुए बाहर में इन्होंने बहुत सारी चीजें कही है। मैं और उन्होंने ये भी कहा है संविधान समाप्त किया जा रहा है। बैठ जाइए। हमारी बात वहां नहीं सुनी जा रही है, हमें व्यवधान दिया जा रहा है। सदन के जो चेयरमैन है, कस्टोडियन है, वो विपक्ष की भी बात के उतना ही ध्यान देंगे जितना सत्ता पक्ष के। मैंने ये कहा, सदन में हम चर्चा के लिए आते हैं, अगर हमें हमारी बातों को नहीं रखा जाएगा, लोकतंत्र है, जनता से जुड़े सवालों को उठाना हमारा कर्तव्य है, ये हम करते रहेंगे। अगर सदन में नहीं बोलने दिया जाएगा, बैठ जाइए, बाहर बोलेंगे। बैठ जाइए माननीय मंत्री महोदय। मैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के मेज पर रखेंगे। महोदय, मैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वर्ष 17-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। माननीय मंत्री, बिहार उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण बिहार और बिहार राज्य के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्त नियमावली 2019 की अधिसूचना का उपस्थापन। माननीय मंत्री महोदय, मैं बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण बिहार और बिहार राज्य के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा शर्त नियमावली 2019 की अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। शून्यकाल माननीय, क्या अभी हमारे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप आया है महोदय, पिछले सत्र में मैंने सदन में कहा मोबाइल चलाते हैं। नहीं चलाते नहीं सर, अभी पिछले सत्र में मेरा सवाल भी था, लखीसराय जिला मेरा गृह जिला है और वहां पर नगर परिषद और वार्ड पर्षद की मनमानी के कारण नगर विकास के द्वारा
विभाग के द्वारा 25 लाख आवंटित कर वहाँ सड़क और नाला बनाया, और देखिए कल की बारिश में वहाँ फेवना भर पानी भरा हुआ है। मैंने जांच की भी बात मांग की थी इसी सदन में, और तब भी वह सड़क मनमाने ढंग से बना है, लूट मची है वहाँ उस सड़क के निर्माण में। मैं चाहता हूँ कि नगर विकास आवास मंत्री बैठे हुए हैं, एक जांच कराकर इसका रिपोर्ट इस चलते सत्र में सदन में दे। आप एक लिख के माननीय मंत्री को दीजिए। माननीय सदस्य खालिद अनवर साहब, शून्यकाल की सूचना पढ़ें। उर्दू में मिला आपको? आप एक कॉपी रख लेते जो उर्दू में लिखे थे उसकी। चलिए पढ़िए। चेयरमैन, बिहार कानून शासन काउंसिल, उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है और तमसाजिया की भी ये जबान है। ऐवान बाला में आपके दौरे इख्तदार में इस जबान के फरोग और तरवीज व तरक्की के लिए जो इकदाम किए गए हैं वो हद दर्जा काबिल सताइश है। रियासती हुकूमत दूसरी सरकारी जबान के फरोग के लिए पाबंद अहद है। बिहार के मकबूल वजीर आला नीतीश कुमार उर्दू के फरोग के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। 1995 में सरकारी सतह पर उर्दू के अमली नफाज के लिए महकमे काबीना सेक्रेटेरिएट के तहत उर्दू डायरेक्टोरिएट का क्याम अमल में आया था, लेकिन उसके सरबराह को कोई माली और इंतजामी अख्तियारात हासिल नहीं थे। नीतीश हुकूमत ने 2015 में उर्दू डायरेक्टर को माली व इंतजामी अख्तियारात फराहम करा दिए हैं। उर्दू डायरेक्टोरिएट का बजट 2 करोड़ का है, लेकिन मौजूदा डायरेक्टर उर्दू के अमली नफाज में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। उर्दू डायरेक्टोरिएट का क्याम का मकसद उर्दू जबान का फरोग था, लेकिन डायरेक्टोरिएट राह से भटक कर अदब के फरोग में लगा है। एक खास हाशिया बरदार किस्म के उर्दू के कलमकारों ने उर्दू डायरेक्टोरिएट को यरगमाल बना लिया है। जो रूप बदल बदल कर अहम अदबी शख्सियात के योम वफात योम विलादत के मौके पर मुनक्किद होने वाले सरकारी तकारीब में 15 नाम हैं, जो रूप बदल बदल कर प्रोग्राम में मेहमान मुकर्रर की हैसियत से शरीक होते हैं और एजाजिया पाते हैं। सरकारी सतह पर उर्दू का अमली नफाज सिफर में चला गया है। उर्दू डायरेक्टोरिएट के सरबराह सेल्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मसरूफ हैं। तमाम उसूल जाब्ते की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके सबब बिहार के 2 करोड़ उर्दू आबादी में सख्त मायूसी है। उर्दू डायरेक्टोरिएट का सिमाही भाषा संगम, जिस पर सालाना 3 लाख रुपए इशाअत पर खर्च होता है, इसकी कापिया किसी भी मुअज्जज रुकने असेंबली और काउंसिल तक नहीं पहुंचती है, यहां तक कि बेशतर उदबा व शुरा के पास भी नहीं पहुंचती है। हर 3 महीने पर इसकी 1000 कापियां शायद होती हैं, लेकिन ये कापियां कहां जाती हैं उसकी जांच जरूरी है। फिलवक्त 800 उर्दू मुलाजमीन उर्दू के अमली नफाज के लिए हर जिला में मामूर हैं। उनमें से 150 उर्दू ट्रांसलेटरों को उर्दू डायरेक्टोरिएट के सरबराह ने रियासती राजधानी पटना के मुतअद्दिद महकमों में डिपुटेशन पर लगा रखा है। तनख्वाह मुलाजमीन को जिलों से दी जा रही है। जिलों में उर्दू का काम काज नदारद है, इसलिए इन तमाम डिपुटेशन पर तैनात उर्दू मुलाजमीन को उनकी पोस्टिंग की जगह फिलफौर तैनात किया जाए। साथ ही जश्न उर्दू के नाम पर जो बड़ी रकम हर साल खर्च होती है उसकी भी जांच होनी चाहिए। जश्न उर्दू के मौके पर भी वही 15 चेहरे जो तमाम प्रोग्रामों में शामिल होते हैं बुलाया जाता है, उन्हें नवाजा जाता है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर उर्दू की कारगुजारियों को और माली बेजाबतगियों की जांच एक आला सतह की कमेटी के जरिए कराई जाए, ताकि उर्दू आबादी में पाई जा रही मायूसी को कम किया जा सके। उर्दू डायरेक्टोरिएट में 3 साल से डिप्टेशन पे डायरेक्टर उर्दू का ओहदा खाली पड़ा है। उर्दू के कलमकारों को मिलने वाला बड़ा और बावकार राजभाषा अवार्ड गुज़श्ता 5 सालों से मुकम्मल बंद है, इससे भी डायरेक्टर की बाजपुरश की जाए। इस सिलसिले में मैं सरकार से एक वाजह बयान का मुतालबा करता हूँ। मान्य दे दीजिए। मान्य सदस्य श्री राधाचरण साहब, अब इस पर बहस नहीं। नहीं, नहीं।
संज्ञान में दलवा दीजिए और इसका जवाब हजूर मंगा लीजिए। ठीक है, जा रहा है, सरकार को ही जाएगा, तत्काल की सूचना सरकार को ही जाती है। माननीय सभापति महोदय, पटना जिला के बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर गांव के पास गंगा नदी पर स्थित पीपा पुल अभी तक नहीं खोला गया है, जबकि जल स्तर बढ़ जाने से पीपा पुल पर दबाव बढ़ गया है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही गंगा नदी में पानी बढ़ने से काला दियरा गाँव में कटाव बढ़ गया है। सरकार द्वारा हाल ही में कराया गया कटाव निरोधी कार्य भी कटाव को रोकने में बेअसर साबित हो रहा है। कटाव को रोकने के लिए लगाई गई बालू की बोरी एवं बोल्डर क्रेटिंग भी गंगा की तेज धार में बह जा रहा है। पीपा पुल के आसपास भी कटाव जारी है, जिससे पुल का संपर्क पथ भी कट रहा है। इससे वाहनों के अलावा पैदल आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। इसके अलावा फतुहा नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची दरगाह से वैशाली को जोड़ने वाला पीपा पुल मंगलवार को अचानक बीच में धस गया। इससे सामान लदा एक ऑटो गंगा नदी की तेज धार में बह गया। ऑटो चालक ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बचाई। ऑटो की तलाश अभी जारी है। अतः मैं इस संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष पर ज्ञात सूचना के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता की कंडिका 4 में उल्लिखित है कि नेट सेट की आवश्यकता ऐसे संस्थानों ऐसे स्नातकोत्तर विषयों में नहीं होगी जहां नेट सेट का आयोजन नहीं होता है। इसमें तत्संबंधी विषय सह विषय की चर्चा नहीं है। स्पष्ट हो रहा है कि इस पद पर नियुक्ति की पात्रता विषय सह विषय से नेट की उत्तीर्णता ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता निर्धारित है। यहां सरकार के संज्ञान में यह सूचना देना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में प्राचीन इतिहास के लिए तत्संबंधी मूल विषय इतिहास में नेट की उत्तीर्णता ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। प्राचीन इतिहास विषय का हिस्सा मात्र है, यानी प्राचीन इतिहास विषय का उद्भव इतिहास विषय से ही हुआ है। यह समस्या कुछ अन्य विषयों में भी हो सकती है। अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जारी प्रस्तावित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में प्राचीन इतिहास विषय के पद के विरुद्ध इतिहास विषय में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल कराने साक्षात्कारित कराने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। दे दीजिए। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक मदरसा संस्कृत तथा अल्पसंख्यक विद्यालय के नियोजित शिक्षकों को 7वां वेतन प्रशिक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिसके अनुरूप वेतन का भुगतान भी हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा 7वें वेतन प्रशिक्षण की अधिसूचना की व्याख्या प्रदेश के जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपनी अपनी समझ से कर वेतन निर्धारण किए जाने से कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। यहां तक कि कनीय शिक्षक का वेतन बड़े शिक्षक से अधिक निर्धारित हुआ है। इसके कारण प्रभावित शिक्षकों में काफी क्षोभ और असंतोष व्याप्त है। अतः उक्त विषय पर सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग। ठीक है। माननीय सदस्य श्री संजय प्रसाद। सभापति महोदय, आज के दैनिक समाचार पत्र के अनुसार पटना जिले के हनुमान नगर के साकेतपुरी रोड संख्या 3 में 80 फीट सड़क धस जाने के कारण आसपास के कई मकान और बाउंड्री क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों का कहना है कि आसपास में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य की वजह से कई और मकान पहले भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी शिकायत वहां कर रह रहे मकान मालिकों के द्वारा कंकड़वाड़ अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को लिखित पत्र द्वारा दिया गया है, लेकिन बहुमंजिला इमारत निर्माण कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुई। 90 फीट लंबी 4 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण वर्ष 2016 में ही किया गया था। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से दोषी पदाधिकारियों और निर्माण कंपनियों के प्रति त्वरित कार्रवाई करने हेतु सदन में मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी। माननीय सभापति महोदय, दूरभाष एवं समाचार पत्र से प्राप्त खबर के अनुसार मधेपुरा जिला अंतर्गत बिहारीगंज बाजार स्थित निवासी
शराब तस्कर कन्हैया लाल भारती के द्वारा पत्नी एवं बीमार बच्चों को घर से बाहर कर दिया गया। पीड़िता दो दिनों से घर के बाहर अपने बच्चों के साथ धरना पर है। कन्हैया एक शराब तस्कर है जिसका विरोध उसकी पत्नी के द्वारा किया जाया गया। ऐसा अमानवीय व्यवहार उसके साथ किया गया। पति के साथ भैंसुर गोतनी द्वारा भी पीड़िता रूबी देवी के साथ मारपीट किया गया एवं घर से बाहर कर दिया गया तथा उल्टे रूबी देवी के ऊपर ही केस भी दर्ज कर दिया गया है। अतः शराब तस्कर कन्हैया लाल भारती को गिरफ्तार करने एवं उनकी पत्नी बच्चों को न्याय दिलाते हुए घर में रखने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र पूर्वे जी। माननीय सभापति महोदय, राज्य के लिए विडम्बना की बात है कि पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से राजधानी पटना के अधिकतर इलाकों में भयंकर जल जमाव है। कदम कुआं का इलाका तालाब में तब्दील हो गया है। कंकड़बाग इलाके में सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, जबकि पटना के मुख्य नालों की उड़ाही के लिए 50 से अधिक जेसीबी और 1500 से अधिक मजदूर लगे थे। इस उड़ाही कार्य में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए हैं। नाला उड़ाही में इतने खर्च किए जाने के बाद मात्र 55.06 mm बारिश से पूरे पटना की नारकीय स्थिति हो गई है। महोदय, विपुल राशि के सदुपयोग के बाद भी कम बारिश में पटना की यह स्थिति हो गई है। अतः इस नारकीय स्थिति की जांच कराने हेतु शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। दे दिया जाए। माननीय सदस्य दिलीप कुमार चौधरी। हजूर, दूरभाष एवं प्राप्त सूचना एवं अन्य समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार राज्य के अधिकांश विद्यालयों के शौचालय में ताले लगे हैं। चापाकलों के पास गंदा पानी जमा हुआ है। शौचालय के बंद होने से छात्र छात्राओं के को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। छात्राओं एवं शिक्षकों को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतः बंद ताले को अविलंब खुलवाने तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग। माननीय सदस्य श्री आदित्य नारायण पांडे। दे दिया। माननीय सभापति महोदय, घटना कल 1:30 बजे की है। स्कूल लोयला हाई स्कूल पटना की छुट्टी हुई थी। झमाझम बारिश हो रही थी। सड़क पर 2 से 2.5 फीट पानी जमा था और इस बीच पटना नगर निगम की कृपा से मेन होल का ढक्कन खुला था और उस खुले मेन होल में किसलेन निकुंज नामक छात्र गिर गया। उसका हाथ और कंधा ऊपर फंस गया और पूरा अंदर नहीं जा सका और जान बच गई। दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन कान में तेल डालकर कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। इससे भी बदतर स्थिति दानापुर नगर परिषद का है। इसका एक मोहल्ला है बिस्कुट फैक्ट्री, न्यू मिथिला कॉलोनी रोड नासरीगंज। इस रोड में 3 स्कूल है, 1 सरकारी और 2 प्राइवेट। इन स्कूलों में लगभग 1000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और सैकड़ों गाड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सड़क की स्थिति इतनी नारकीय है कि इसके नाले से सभी ढक्कन या तो टूटे हैं या खुले हैं। इस पर ना पैदल ही चला जा सकता है और ना गाड़ी बाइक से। नाले का कचरा सड़क पर फैला है। इस पर कब कोई कहां गिर जाए नहीं पता। स्कूल प्रशासन को भी केवल अपने फीस से मतलब सो समय से उसके खाते में आ जाए। और जहां तक नगर परिषद प्रशासन की बात है तो उसको जनता के जान माल की सुरक्षा ही क्या पड़ी है। अतः मैं सरकार से पटना एवं बिहार के शहरों के सारे मेन होल को बंद करने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक है। माननीय सदस्य श्री संजय प्रकाश। माननीय सभापति महोदय, पटना में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के अनुसार पटना में कुछ ही वर्ष पूर्व ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन चंद वर्षों से में ही ट्रैफिक सिग्नल और टाइमर बेकार हो गए, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और प्रायः दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतः इस महत्वपूर्ण जनहित के मामले पर सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, ये पूरे शहर की स्थिति है। सूचना दे दीजिए, पर बोलना नहीं है। अब ध्यान आकर्षण क्रमांक 12। अभी आने के समय में यहाँ कई मीडिया कर्मियों ने बाहर में ये बात कही है, अपनी चिंता बताई है कि उन लोगों को आज से यहाँ फोर्टियों के आसपास आने में मनाही हो गई है। कहीं ना कहीं इससे कठिनाई भी होती है। थोड़ी व्यवस्था करके उन लोगों को इसमें अलाउ करना चाहिए
मीडिया कर्मी के लिए माननीय सदस्य हमने बाहर में जगह बना दी है बैठने के लिए, और उन लोगों ने जो डिमांड किया कि हमको वहां पर कठिनाई होती है तो हमने टीवी लगवा दिया कि वहां बैठ के यहां जो कार्रवाई होती है उसको देखेंगे। और ये बात मीडिया कर्मियों के साथ बैठ जाइए आप, और प्रशासन के साथ सदन के शुरू होने से पहले जो बैठक होती है उसी में सभी पदाधिकारियों के साथ तय हुआ कि सभी माननीय सदस्यों से वाइट लेना है या कुछ पूछना है तो वहीं जाके लें, और वाइट लाइन को किसी हालत में वो क्रॉस नहीं करेंगे। ये सभी मीडिया कर्मियों के प्रेस सलाहकार की समिति की बैठक में आग्रह किया हुआ है, और ये नियम है कि कोई भी पत्रकार या छायाकार या मीडिया कर्मी वाइट लाइन के, आप लोगों से भी आग्रह है कि आपको जो भी कहना हो वहाँ जगह बनी हुई है बैठने की, वहाँ टीवी भी लगा दिया गया उनकी सुविधा के लिए, आप वहां पर करिए, व्हाइट लाइन के भीतर मत करिए, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। चलिए तो ध्यान आकर्षण क्रम संख्या 12 संजय पासवान जी नहीं है। माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह आध्यात्मिक महापुरुष गुरु के संबंध में ध्यान आकर्षण की सूचना पड़े। माननीय सभापति महोदय, भारतीय संस्कृति में हिंदू वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, जिसे हिंदू परंपरा के तहत पुरातन काल से ही गुरु शिष्य संबंधों की आत्मीयता के आधार पर महापर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस आध्यात्मिक महापर्व की प्रतीक्षा देवगण और ऋषिगण भी बेसब्री से करते हैं। आस्था के अनुरूप हम किन्हीं प्रामाणिक पुरुष को गुरु मानते हुए अपने धार्मिक कर्तव्यों एवं सांसारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ अपनी मानसिक एवं आत्मिक उन्नति हेतु उन्हें सर्व सरकार के कार्यालयों के लिए पूर्व से ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक धार्मिक त्योहारों के लिए राजकीय अवकाश घोषित है, यथा रामनवमी, महावीर जयंती, जानकी नवमी, बुद्ध पूर्णिमा आदि। अतः ऊपरी वर्णित गुरु शिष्य के परस्पर सम्मान स्नेह की परम्परा को अक्षुण रखने हेतु वर्तमान सामाजिक संदर्भ में गुरु पूर्णिमा से आध्यात्मिक महापर्व को राजकीय स्तर पर आयोजित करने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण दिवस को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में वर्ष 19 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना ज्ञापन 15543 दिनांक 29/11/18 द्वारा अवकाशों की सूची अनुसूचित की गई है, जिसके अंतर्गत एनआई एक्ट के तहत कुल 20 दिनों का कार्यपालक आदेश के तहत कुल 15 दिन तथा कुल 20 दिनों का प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अवकाश की सूची में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अवकाश घोषित नहीं है तथा गुरु पूर्णिमा को राजकीय अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। हमने तो अवकाश देख करके ही, जो कैलेंडर में है तय उसको देख करके ही मैंने सरकार से आग्रह किया है। और महोदय, हम कहना चाहते हैं जो सामाजिक विकृतियां आ रही हैं, जैसे हम भूमि से सभी प्रकार के अन्न का उपज कराते हैं, अन्नों का उत्पादन होता है, उपज होती है, उसी प्रकार से ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके जो प्रामाणिक पुरुष जिनको मानते हैं उनके सानिध्य में रह करके उनकी सत्संगति से सामाजिक विकृतियों को दूर करते हैं, ऐसे 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 गुरु पूर्णिमा में जिसका हम उल्लेख भी किए हैं, और हमको लगता है कि सभी धर्मों में गुरुओं का महत्व है, गुरु का महत्व सभी धर्मों में है। इसीलिए सरकार अगर बुद्ध पूर्णिमा को भी अवकाश घोषित की है तो निश्चित रूप से ऐसे भी अवसर पर गुरु पूर्णिमा को राजकीय स्तर पर मनाया जाए तथा राजकीय अवकाश घोषित करने के लिए सरकार निर्णय ले, यही तो अनुरोध हमने किया है। छुट्टी जब नहीं थी इसीलिए अनुरोध किया है। ऐसा मानवर संजीव जी ने एक ऐसा विषय यहां उठाया है, और हम नमन भी करते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानम मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो कृपा, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। विद्वान सदस्य आप ध्यान, ये विद्वानों की सलाह है, दो मिनट समय दीजिए, कुछ पृष्ठभूमि होती है। यह भारत जो है, हंसिए मत, ये विद्वानों की यह सभा हो रही है और सब बातों में हंसा नहीं जाता है।
गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको पाव लगा जाए तो भगवान भी कहते हैं पहले गुरु को। पढ़ चुकी है, पढ़ी बहुत कायदे से पढ़ी थी इसको। पहले कबीर जी की पंक्ति है, क्योंकि मैं गुरुमुख हूँ, हमारा दो मिनट समय दीजिएगा बड़ा, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो कि एकदम भावना पर आधारित है। हमारा सत्संग चलता है मथुरा में और रामाश्रम सत्संग का मैं व्यक्ति हूँ, तो मैं जब मथुरा गया तो मैं देखता हूँ कि मिलिट्री कंटोनमेंट से पानी आ रहा है, मेरी जिज्ञासा हो गई।